देश में सबसे अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि बिहार में हो रही है। साल 2001 से 2011 के बीच देश की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% की थी, तो बिहार में यह 25.07% रही। जनसंख्या वृद्धि की दर का ही नतीजा रहा कि 2011 में बिहार की जनसंख्या 10,38,00,000 हो गई। जनसंख्या के लिहाज से हर एक जिले की आबादी का औसत 27 लाख से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर 2018 में बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ आंकी गई। जनसंख्या वृद्धि में बिहार और देश में कई अंतर है। देश के जनसंख्या घनत्व का औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो बिहार का राष्ट्रीय औसत से 3 गुना अधिक 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक दबाव शिवहर में है, जहाँ की जनसंख्या 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे कम कैमूर में 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में जनसंख्या का अधिक दबाव है, 1400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व के राज्य के 10 जिले में से 9 उत्तर बिहार के हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक दबाव है, जहां लोगों के जीविका का मुख्य साधन जमीन है। शहरीकरण में बिहार पिछड़ा है, देश में 5161 से बढ़कर 7935 शहर हो गए, तो बिहार में 2001 में 130 शहरों की संख्या बढ़कर 2011 में 199 हुई। शहरीकरण की सबसे कम वृद्धि दर समस्तीपुर और बांका में 3.5% रही, जबकि सबसे तेज शहरीकरण पटना का रहा। पटना में शहरीकरण की दर 43.1% रही। देश की तर्ज पर बिहार के जिलों में भी जनसंख्या वृद्धि में काफी अंतर है। 10 साल में सबसे कम जनसंख्या गोपालगंज में 18.8% की वृद्धि हुई, तो मधेपुरा में 31.1% की दर से आबादी बढ़ी। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जिला पटना है, जहां 58 लाख से अधिक आबादी रहती है। कुल जनसंख्या का यह 5.5% है, जबकि सबसे कम आबादी शिवहर की 6.6 लाख है। यह राज्य की कुल आबादी का 0.6% है। पुरुष महिला का अनुपात सबसे अधिक गोपालगंज में 1015 है, तो सबसे कम मुंगेर भागलपुर में यह 879 है। जनसंख्या वृद्धि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसका कोई निवारण ना हो। यूनाइटेड नेशन ने मुहिम चला रखा है, जिसका असर और परिणाम कुछ देशों पर साफ तौर से देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए थाईलैंड, जिसका प्रजनन दर पिछले 2 पीढ़ियों से 75% से गिरा है, परिवार नियोजन के तरीकों से भी इस दिक्कत का सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। थोड़ी जागरूकता और थोड़ी जानकारी से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। 11 जुलाई को जब पूरा विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन कर रहा था, तब एक अलार्म बिहार के लिए भी बजा। यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक रिपोर्ट की माने तो 2018 तक बिहार की जनसंख्या ने विश्व के 220 देशों को पीछे छोड़ दिया है। बिहार की जनसंख्या 2018 तक 10 करोड़ थी, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में सबसे तेजी से इजाफा हुआ है। ये 24.7% बढ़ोतरी सामाजिक वैज्ञानिकों की माने तो शिक्षा के अभाव के कारण है। इससे अगले कुछ वर्षों में प्रवास दरों में तेजी आएगी। शिक्षा दर को देखें, 74.04% के साथ बिहार सबसे नीचे आता है, एवं केरला 93.91% के साथ सबसे ऊपर है। बिहार को भविष्य में शिक्षा पर बहुत काम करना है, ये स्पष्ट है, पर जनसंख्या वृद्धि की यह दिक्कत किसी भी भविष्य का इंतजार नहीं करेगी। इससे बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी, बढ़ता प्रदूषण, प्रदेश से दूसरे राज्यों में प्रवास जैसी दिक्कतें बढ़ेगी। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट।